गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन साइंस क्लास. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. आर टॉपिक इज वाटर. वाटर कंटेन वाटर अकाउंट फॉर अबाउट 70% ऑफ द वेट ऑफ एन इंडिविजुअल. जो वाटर है हमारी बॉडी का कितना परसेंट वेट है, 70% वेट कंटेन करता है. ह्यूमन बींग्स हैव बीन नोन टू सर्वाइव विदाउट फूड फॉर ओवर 3 वीक्स. जो ह्यूमन्स है वो फूड के बिना जो है 3 वीक्स तक सर्वाइव कर सकता है. बट दे मे डाई इन टू टू थ्री डेज विदाउट वाटर. लेकिन पानी के बिना वो 2 या 3 दिन में क्या होगा, सर्वाइव नहीं कर सकता. वी टेक इन वाटर नॉट ओनली डायरेक्टली बाय ड्रिंकिंग बट ऑल्सो एज अ पार्ट ऑफ फूड वी ईट. पानी जो है वो डायरेक्टली जो हम ड्रिंक करते हैं, उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो हमारा फूड होता है वो भी जो है उसमें भी जो है पानी होता है. द अमाउंट ऑफ वाटर एन एनिमल नीड्स टू ड्रिंक डिपेंड ऑन हाउ मच वाटर इट लूजेस बाय स्वेटिंग. जो अमाउंट होता है वाटर का, जिस एनिमल को जिसकी नीड होती है और जितना वो ड्रिंक करता है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना जो है उसकी स्वेटिंग और जो बॉडी से जो एक्सक्रीटिंग होता है ना, उस पर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा निकल रहा है. मैनी डेजर्ट एनिमल डू नॉट नीड टू ड्रिंक वाटर. जो डेजर्ट एनिमल होते हैं उन्हें ज़्यादा पानी पीने की नीड नहीं होती. दे मेक डू विद द वाटर कंटेन इन देयर डाइट. मतलब उनकी डाइट जो है इस तरीके से होती है कि जो वाटर है वो कंटेन रहता है उनकी डाइट में. ठीक है, वाटर इज नीडेड फॉर मैनी वाइटल फंक्शन ऑफ बॉडी. वाटर जो है हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. फर्स्ट वन इज़ ऑल द केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी लाइक डाइजेशन ऑकर इन द डिजॉल्व और सॉल्यूशन स्टेट. जितनी भी जो केमिकल रिएक्शन होती है हमारी बॉडी में, जैसे कि डाइजेशन हो गया, वो सॉल्यूशन स्टेट में ही होती हैं. वाटर हैज़ टू कैरी डाइजेस्टेड फूड अराउंड द बॉडी. वाटर जो है हमारी जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसकी पूरी बॉडी में कैरी करता है, पहुँचाता है. इट ऑल्सो कैरीज वेस्ट विच आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन. ये जितना भी जो हमारी बॉडी का जो वेस्ट होता है उसे बॉडी से बाहर निकालता है स्वेट की फॉर्म में एंड यूरिन की फॉर्म में. एज अ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ब्लड इट हेल्प कैरी केमिकल एंड गैसेज थ्रू आउट द बॉडी. क्योंकि ये ब्लड का जो मेन कंपोनेंट है, तो ये जितने भी जो केमिकल और जो गैसेज हैं पूरी बॉडी में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है. वाटर ऑल्सो हेल्प टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग. वाटर जो है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है. किसके थ्रू? स्वेटिंग के थ्रू. एक्सक्रिएशन स्वेटिंग एंड ब्रीथिंग मेक्स अस लूज अबाउट 2-3 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे. जो भी हमारी बॉडी से जो एक्सक्रिएशन होता है, स्वेटिंग होता है, ब्रीथिंग होता है, इन सबसे करीब 2 या 3 लीटर जो पानी जो है वो लूज हो जाता है. अबाउट 1.5 लीटर इज मेड अप फॉर बाय ड्रिंकिंग वाटर एंड अदर लिक्विड. करीब जो 1.5 लीटर जो पानी होता है वो हमें ड्रिंकिंग के थ्रू या फिर अदर लिक्विड के थ्रू मिलता है. द रेस्ट कम फ्रॉम फूड. जो बाकी है वो फूड से मिलता है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंटेन अ लॉट ऑफ वाटर. जितने भी जो फ्रूट हैं वेजिटेबल्स में बहुत सारा पानी होता है. यू कैन गेट अ फेयर आइडिया ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ वेजिटेबल बाय बेकिंग दैम और लेटिंग दैम ड्राई इन द सन. इसका जो है एक फेयर आइडिया हम इस बात से लगा सकते हैं जो वेजिटेबल और को हम क्या करते हैं, बेक करते हैं या फिर जब सन में उन्हें ड्राई करते हैं. नॉट डिहाइड्रेशन. द लॉस ऑफ वाटर लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन. जब हमारी बॉडी से बहुत सारा वाटर जो है लॉस हो जाता है तो उसे बोलते हैं डिहाइड्रेशन. ठीक है, यानी कि पानी की कमी हो जाती है जब बॉडी में. इट कैन हैपन ड्यू टू अ डायरिया वॉमिटिंग बर्न्स और हीट स्ट्रोक. ये होता है या तो डायरिया या वॉमिटिंग या बर्न या हीट स्ट्रोक की वजह से ऐसा होता है. अलॉन्ग विद वाटर द बॉडी लूजेज मिनरल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम. अब पानी के साथ जो हमारे मिनरल्स होते हैं बॉडी में, सोडियम एंड पोटेशियम भी, वो भी लूज हो जाते हैं. विच लीड्स टू क्रैम्प. जिसकी वजह से क्रैम्प्स हो जाते हैं. एक्यूट डिहाइड्रेशन कैन इवन कॉज डेड. अगर ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है तो उसकी वजह से डेथ भी हो जाती है. एंड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन डेट इज़ ORS इज़ यूज टू ट्रीट डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन के लिए एक सॉल्यूशन यूज होता है जिसे बोलते हैं ORS. ठीक है, आपने नाम सुना होगा और इसका यूज़ भी किया होगा. इट कैन बी मेड बाय डिजॉल्विंग 4 स्पून ऑफ शुगर. इसे हम कैसे बना सकते हैं? 4 स्पून शुगर को यानी कि ग्लूकोज को और 1 स्पून सॉल्ट लें और कुछ ड्रॉप जो है लेमन जूस के लें और पानी में एक लीटर पानी में ऐसे मिलाएंगे तो ORS का जो सॉल्यूशन है वो प्रिपेयर हो जाएगा. ORS मिक्सचर आर ऑल्सो अवेलेबल एट केमिस्ट. ये जो आपको मेडिकल पे भी मिल जाता है. ठीक है, जब डिहाइड्रेशन होता है बॉडी में तो हम इसको यूज़ करते हैं यानी कि ड्रिंक करते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज रफेज. वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज द कार्बोहाइड्रेट विच द वॉल ऑफ प्लांट सेल आर मेड ऑफ. हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते. सेलुलोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि प्लांट्स में मिलता है. ठीक है, इज थ्रोन आउट एज अ वेस्ट. ये हमारी बॉडी से वेस्ट की फॉर्म में निकल जाता है. येट इट इज़ नेसेसरी अ पार्ट ऑफ आर डाइट. ये हमारी डाइट का एक पार्ट है.
सेलुलोज रेफर टू एज अ फाइबर, सेलुलोज क्या एक फाइबर है ये, और रफेज स्वेल ऑफ इन द इंटेस्टाइन बाय अब्जॉर्बिंग वाटर। ये क्या है, हमारी इंटेस्टाइन के थ्रू स्वेल किया जाता है और वाटर को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। इट डज एड्स बल्क टू द फेजेज एंड कीप इट सॉफ्ट, ये हमारे बल्क जो हम खाना जो खाते हैं उसमें मिक्सअप होकर उसे सॉफ्ट बनाता है। दिस एन्श्योर द स्मूथ मूवमेंट ऑफ वेस्ट थ्रू द रेक्टम एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, ये जो हमारी बॉडी में जाके जो हमारा जो वेस्ट होता है ना बॉडी का जो बाहर निकलता है उसको स्मूथ मूवमेंट देता है और हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। फाइबर इज प्रेजेंट इन होल ग्रेन फ्लोर, होल पल्सेस, ग्रीन पीस, लीफी वेजिटेबल एंड फूड। फाइबर जो है किसमें प्रेजेंट होता है, जो ग्रेन फ्लोर होता है, पल्सेस होती हैं, पीस होता है, ग्रीन पी, लीफी वेजिटेबल एंड फूड, इन सब में जो है फाइबर होता है। मीट ईटर ऑफन सफर फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन इफ देयर डाइट डज नॉट इंक्लूड इनफ वेजिटेबल, जो मीट होते हैं उन्हें ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है। अगर उनकी डाइट में जो है अगर रफेज नहीं होगा, वो वेजिटेबल नहीं खाएंगे तो उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो जो इतना हमारा डाइट में अगर हम नॉन वेज ईट करते हैं तो हमें वेजिटेबल भी उतनी ही ईट करनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट बैलेंस डाइट। ओके।